नमस्कार हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम गद्दी समुदाय के पशुधन चोरी मामले पर गंभीर, सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश। गुज्जर कल्याण बोर्ड की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने पशुपालन विभाग को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाने के दिए हैं निर्देश। पाला और बारिश से आम और सेब के पेड़ों के नुकसान का अब से मिलेगा इंश्योरेंस। एचआरटीसी चालक पर जमकर बरसाए लात और घूंसे, वर्दी भी फाड़ी। बारातियों की कार खाई में गिरी, दूल्हे के नाना की हुई मौत, पिता चाचा व मामा है घायल। बर्फ से जमी सड़कों पर फिसलन का खतरा, पर्यटकों को अब सिर्फ 1 घंटा घाटी में प्रवेश करने की है अनुमति। हिमाचल में रोहतांग पास सहित चोटियों पर बर्फबारी शुरू, मनाली के पर्यटन स्थलों में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि गद्दी समुदाय के भेड़ पालकों के पशुधन की चोरी के मामले को रोकने के लिए पुलिस सख्त कदम उठाए। सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इन मामलों में सख्ती बरते और जिन क्षेत्रों में चोरी के मामले में बढ़ोतरी हो रही है वहां सख्त एक्शन ले। उन्होंने कहा कि पशुधन की सुरक्षा के लिए पुलिस एक रोड मैप तैयार करे और जिन क्षेत्रों में चोरी की वारदातें हुई हैं वहां एक्शन लिया जाए। पुलिस ये सुनिश्चित करे कि सड़क किनारे किन किन क्षेत्रों में पशुधन चोरी होता है और ऐसे में वाहनों की जांच होना भी जरूरी है। हालांकि पुलिस चोरी के अन्य मामलों को गंभीरता से लेती है, लेकिन भेड़ पालकों का पशुधन लाखों का होता है और ऐसे विषयों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को धर्मशाला में गुज्जर कल्याण बोर्ड की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम जयराम ने कहा कि राज्य सरकार गुज्जर समुदाय के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्य रूप से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण गुज्जर समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने पशुपालन विभाग को गुज्जर समुदाय को बेहतर नस्ल के मवेशी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि वे अपने पशुओं से बेहतर आय प्राप्त कर सके। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के फलदार पौधों के नुकसान के लिए उद्यान विभाग इंश्योरेंस देगा। आम और सेब के पेड़ों को पाला, अधिक बारिश, तूफान आदि से नुकसान की भरपाई के लिए बागवान 5% प्रीमियम देकर पेड़ के इंश्योरेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्यान विभाग की पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के तहत किसान बागवानों को राहत दी जा रही है। योजना से आम, सेब और अन्य सिट्रिक फलों को सुरक्षा मिलेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आम के पेड़ के इंश्योरेंस के लिए बागवानों को 31 रुपए, सेब के पेड़ के लिए 40 रुपए देने पड़ेंगे। किसी प्रकार से पेड़ नष्ट होने पर आम के एक पेड़ का 620 और सेब के पेड़ का 800 रुपए उद्यान विभाग किसानों को राहत के तौर पर देगा। इंश्योरेंस के लिए बागवान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चंबा के भड़ेला रोड पर 3 लोगों ने एचआरटीसी बस चालक पर जमकर लात घूंसे बरसाने के बाद उसकी वर्दी भी फाड़ दी है। पुलिस थाना किहार के तहत आते चंबा भड़ेला मार्ग पर एचआरटीसी चालक से मारपीट की गई। मारपीट करने वालों में 3 लोग थे जिन्होंने चालक की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चालक राजेश कुमार पुत्र तुला राम निवासी गाँव सुखड़ा तहसील सलूनी ने थाना किहार में शिकायत दर्ज करवा दी है। एसपी अरुण कुमार ने बताया कि पुलिस ने चालक के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों लोगों ने सरकारी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न की है, इसी के तहत केस दायर किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में आज एक सड़क हादसा पेश आया है। एक बारात में शामिल लोगों की कार वहां खाई में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति की जान गई है वो दूल्हे के नाना थे और पिता, चाचा और मामा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
मंडी जिला के कोटली उपमंडल के लागधार पंचायत में एक बारात बल्लग गांव से कुम्हारर गई हुई थी। सुबह के समय विदाई के बाद जब बारात वापस लौट रही थी तो लागधार में धुंध के कारण कार खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों को जब हादसे का पता चला तो घायलों को खाई से निकाला गया। सभी को 108 एम्बुलेंस से कोटली अस्पताल ले जाया गया, जहां दूल्हे के नाना को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीनों घायलों को मंडी अस्पताल रेफर किया गया है। हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते तापमान शून्य से नीचे चला गया है। सड़कें जम रही हैं। कुल्लू क्षेत्र में ब्लैक आइस फॉर्मेशन के कारण स्नो गैलरी, अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, तेलिंग नाला और जीरो पॉइंट से सिस्सू स्थित हेलीपैड तक सड़क फिसलन भरी हो गई है। वाहनों को अब सुबह 11 से 1 बजे के बीच ही एंट्री मिलेगी। बर्फबारी और ठंड से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। कुल्लू जिले में तापमान शून्य से नीचे होने के कारण सड़कों पर बर्फ जम रही है। ऐसे में वाहनों के फिसलने का खतरा बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने दो पहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच घाटी में प्रवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया है। मौसम के करवट बदलते ही सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरने का क्रम शुरू हो गया है। बर्फ के फाहे गिरने से तापमान में भी गिरावट आई है। मनाली और केलोंग में बादल छा जाने से मौसम ठंडा हो गया है। हालांकि मनाली केलोंग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन जहां धूप नहीं लगती है उन स्थानों में बर्फ व पानी जमने से जोखिम बढ़ गया है। ऊंचाई वाली पहाड़ियां बर्फ से सारोबार हुई है। बता दें कि मनाली की ओर से रोहतांग की ऊंची चोटियों में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।